हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो का Y22 वर्सेस वीवो का Y75 4G। दोनों सेट 4G है। अगर हम बात करें कंपैरिजन में, तो वैसे प्राइस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। चलो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इन दोनों से कोई भी सेट चला के देखना, आप बालाजी कंपनी की शॉप आ सकते हो। शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉन्चिंग डेट की बात करें, इसको लॉन्च हुए कुछ दिन हुए, इसको लॉन्च हुए 2 से 3 महीने हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इन दोनों के प्राइस के बारे में, ये आपको मिलेगा 14,500 का, ये मिलेगा आपको 21,000 का। तो दोनों सेट 4G तरह डिफरेंस आता है। देखते हैं अब क्या क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम डिस्प्ले साइज की बात करते हैं। डिस्प्ले साइज इसका जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 6.55 इंच HD+ IPS डिस्प्ले। जो HD+ मतलब कि आपको इसका फुल HD+ नहीं, HD+ ही मिलेगा, और 6.55 इंच IPS डिस्प्ले। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वीवो के Y75 की, तो इसका जो डिस्प्ले साइज रहेगा वो 6.44 इंच रहेगा, फुल्ली HD+ AMOLED डिस्प्ले क्वालिटी, जो कि 60Hz पे काम करेगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी डिस्प्ले बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, इसका 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा रहेगा, जो कि बटर ड्रॉप नॉच में रहेगा। अगर इसकी बात करते हैं, तो इसका जो कैमरा रहेगा वो रहेगा आपका 44 मेगापिक्सल का, क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी ही पिक्सल्स के मामले में काफ़ी आगे चला जाता है, जहाँ पे आप पैसे खर्चते हो। उसके बाद अगर हम राइट साइड में बात करते हैं, तो राइट साइड में चेक कर सकते हो पावर लॉक बटन, वॉल्यूम की रोक अप डाउन का बटन। जो पावर लॉक बटन है इसमें आपको जो Y22 है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, और जो वीवो का Y75 4G वाला है, इसमें आपको डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड दोनों की क्लीन देखने को मिलेगी। आपकी बात करते हैं, तो आप में सिम स्लॉट आपको वीवो में Y22 में ऊपर देखने को मिलती है, सेकेंडरी माइक आपको वीवो के 75 में देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करते हैं नीचे की, तो स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, टाइप सी चार्जर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मेन माइक दोनों में देखने को मिल जाते हैं, जहाँ 3.5mm का हेडफोन जैक आपको 22 में देखने को मिलेगा, 75 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ सिम स्लॉट मिल जाएगा, जो कि 4G सपोर्ट करता है, 5G नहीं करता। चेक कर सकते हो ऊपर भी जैक आपको देखने को नहीं मिलता। अगर हम बैक की बात करते हैं, तो बैक में आप चेक कर सकते हो कि आपको कैमरा सेटिंग देखने को मिलेगी। इसमें डबल कैमरा देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, साथ में फ्लैश, नीचे ब्रांडिंग रहेगी आपकी वीवो की। अगर इसकी बात करते हो, तो इसमें जो आपको कैमरा देखने को मिलेगा वो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि रहेगा 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, साथ में फ्लैश, नीचे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है वीवो की। फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इसके वेरियंट के बारे में, वेरियंट के बारे में बात की जाए, तो इसका जो वेरियंट मिलेगा वो मिलेगा आपको 4GB RAM, 64GB इंटरनल मेमोरी, इसका दूसरा वेरिएंट भी मिल जाता है, जो कि रैम और इंटरनल मेमोरी बढ़ जाती है। इसकी बात करते हैं, तो इसमें जो आपको वेरिएंट मिलेगा वो मिलेगा 8GB RAM, 128GB इंटरनल मेमोरी। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो मीडियाटेक का मिलेगा, G70 प्रोसेसर मिलेगा, G70 प्रोसेसर देखने को मिलेगा वीवो के Y22 में। अगर इसकी बात करते हैं, तो इसमें जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, इसमें भी मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, G96। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, तो इसमें जो बैटरी मिलेगी वो मिलेगी 5000mAh की बैटरी, 18W के फास्ट चार्जर के साथ। अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें जो बैटरी मिलेगी 4050mAh की मिलेगी, 4050mAh की बैटरी मिलेगी, मतलब 4050mAh की बैटरी, जो कि 44W के फास्ट चार्जर के साथ आती है। मतलब इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया है, और इसकी बैटरी की जो बात करते हैं, इसकी 5000 है, इसकी 4000 है, तो इजीली जो डिफरेंस देगा एक दिन दोनों निकाल देगा। पर इसका चार्जिंग भी फास्ट है, क्योंकि ओवर जब तक ये ख़त्म होगा दोनों की सेम रहेगा, क्योंकि इसकी IPS डिस्प्ले है, तो बैटरी ज़्यादा चूसती है, और जो अपना AMOLED डिस्प्ले है वो क्वालिटी कम, बैटरी कम चूसती है। तो सिंपल सा कंपैरिजन था। आई होप कि आपको अच्छा लगा वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बढ़िया। इन दोनों में से कौन सा सेट अच्छा लगा कमेंट करके बताना। बाकी स्लिम की बात करते हैं, ये ज़्यादा स्लिम सेट है, बहुत स्लिम सेट है, और लाइट वेट भी, इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, पर मोटा भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो।